देखिए ये काफ़ी दुखद हादसा है जो हमारे ज़िले में हुआ है। बहुत दुख है हमें, लेकिन प्रशासन पूरा मुस्तैद है। परिवारों को जो मदद चाहिए, 6 कैजुअल्टीज अब तक है हमारी, बाकी बच्चे इलाज हो रहा है, बेहतर से बेहतर इलाज हम करा रहे हैं, वो भी हमारी निगरानी में हो रहा है और किसी को ऐसा कोई खतरा जानकार भी नहीं है। हमारा पूरी प्रयास है कि बाकी बच्चे जो है वो स्वस्थ हो जाए जल्द से जल्द और इनका इलाज हम करा रहे हैं। और जिन लोगों ने ऐसा इसके पीछे है, पुलिस पूरी मुस्तैद है, कार्यवाही की जा रही है, स्कूल प्रशासन पे भी होगी, ड्राइवर पे भी होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जो जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बस का जो है फिटनेस सर्टिफिकेट भी खत्म हो चुका था और उसके बाद बस चल रही थी जी, देखिए सारा इंक्वायरी का मैटर है, जो भी बातें हैं, वेदर ड्राइवर उसने ड्रंक था, जो भी बातें हैं सारी FIR का हिस्सा बन रही है और उस पर कानूनी कार्यवाही बिल्कुल एज पर नहीं की जाए। जी मैडम, एक बात ये बताइए कि आज जो ईद उल फितर की छुट्टी थी, सबसे बड़ा त्यौहार था और वो उस पर छुट्टी थी, उसको लेकर भी स्कूल लग रहे हैं जी। ये आज ईद की छुट्टी थी सरकारी, लेकिन ये स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल था और ये रन कर रहा था, इसके लिए DO साहब ने इसकी मान्यता रद्द करने के लिए भी सरकार के पास प्रपोजल भेज दिया। क्या जो मौत का आंकड़ा है और भी बढ़ सकता है बच्चों की, और बाकी स्थिति क्या है? बाकी बच्चे अभी आउट ऑफ डेंजर है, हमें नहीं लगता कि आंकड़ा बढ़ेगा, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब तक की क्या जानकारी है, कितने बच्चे इसमें डेड हुए? देखिए अभी तक 6 कैजुअल्टीज हुई हैं इसके अंदर, उनके परिवारों के साथ ही आज मैं यहाँ हूँ अभी उपस्थित उनके बीच में, हम प्रशासन के साथ। देखिए काफ़ी दुखद हादसा है जो हमारे ज़िले में हुआ है, बहुत दुख है हमें, लेकिन प्रशासन पूरा मुस्तैद है, परिवारों को जो मदद चाहिए, 6 कैजुअल्टीज अब तक है हमारी, बाकी बच्चे इलाज हो रहा है, बेहतर से बेहतर इलाज हम करा रहे हैं, वो भी हमारी निगरानी में हो रहा है और किसी को ऐसा कोई खतरा जानकार भी नहीं है। हमारा पूरी प्रयास है कि बाकी बच्चे जो है वो स्वस्थ हो जाए जल्द से जल्द और इनका इलाज हम करा रहे हैं। और जिन लोगों ने ऐसा इसके पीछे है, पुलिस पूरी मुस्तैद है, कार्यवाही की जा रही है, स्कूल प्रशासन पे भी होगी, ड्राइवर पे भी होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जो जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बस का जो है फिटनेस सर्टिफिकेट भी खत्म हो चुका था और उसके बाद बस चल रही थी जी, देखिए सारा इंक्वायरी का मैटर है, जो भी बातें हैं, वेदर ड्राइवर उसने ड्रंक था, जो भी बातें हैं सारी FIR का हिस्सा बन रही है और उस पर कानूनी कार्यवाही बिल्कुल एज पर नहीं की जाए। जी मैडम, एक बात ये बताइए कि आज जो ईद उल फितर की छुट्टी थी, सबसे बड़ा त्यौहार था और वो उस पर छुट्टी थी, उसको लेकर भी स्कूल लग रहे हैं जी। ये आज ईद की छुट्टी थी सरकारी, लेकिन ये स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल था और ये रन कर रहा था, इसके लिए DO साहब ने इसकी मान्यता रद्द करने के लिए भी सरकार के पास प्रपोजल भेज दिया। क्या जो मौत का आंकड़ा है और भी बढ़ सकता है बच्चों की, और बाकी स्थिति क्या है? बाकी बच्चे अभी आउट ऑफ डेंजर है, हमें नहीं लगता कि आंकड़ा बढ़ेगा, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब तक की क्या जानकारी है, कितने बच्चे इसमें डेड हुए? देखिए अभी तक 6 कैजुअल्टीज हुई हैं इसके अंदर, उनके परिवारों के साथ ही आज मैं यहाँ हूँ अभी उपस्थित उनके बीच में, हम प्रशासन के साथ। देखिए काफ़ी दुखद हादसा है जो हमारे ज़िले में हुआ है, बहुत दुख है हमें, लेकिन प्रशासन पूरा मुस्तैद है, परिवारों को जो मदद चाहिए, 6 कैजुअल्टीज अब तक है हमारी, बाकी बच्चे इलाज हो रहा है, बेहतर से बेहतर इलाज हम करा रहे हैं, वो भी हमारी निगरानी में हो रहा है और किसी को ऐसा कोई खतरा जानकार भी नहीं है। हमारा पूरी प्रयास है कि बाकी बच्चे जो है वो स्वस्थ हो जाए जल्द से जल्द और इनका इलाज हम करा रहे हैं। और जिन लोगों ने ऐसा इसके पीछे है, पुलिस पूरी मुस्तैद है, कार्यवाही की जा रही है, स्कूल प्रशासन पे भी होगी, ड्राइवर पे भी होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जो जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बस का जो है फिटनेस सर्टिफिकेट भी खत्म हो चुका था और उसके बाद बस चल रही थी जी, देखिए सारा इंक्वायरी का मैटर है, जो भी बातें हैं, वेदर ड्राइवर उसने ड्रंक था, जो भी बातें हैं सारी FIR का हिस्सा बन रही है और उस पर कानूनी कार्यवाही बिल्कुल एज पर नहीं की जाए। जी मैडम, एक बात ये बताइए कि आज जो ईद उल फितर की छुट्टी थी, सबसे बड़ा त्यौहार था और वो उस पर छुट्टी थी, उसको लेकर भी स्कूल लग रहे हैं जी। ये आज ईद की छुट्टी थी सरकारी, लेकिन ये स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल था और ये रन कर रहा था, इसके लिए DO साहब ने इसकी मान्यता रद्द करने के लिए भी सरकार के पास प्रपोजल भेज दिया। क्या जो मौत का आंकड़ा है और भी बढ़ सकता है बच्चों की, और बाकी स्थिति क्या है? बाकी बच्चे अभी आउट ऑफ डेंजर है, हमें नहीं लगता कि आंकड़ा बढ़ेगा, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब तक की क्या जानकारी है, कितने बच्चे इसमें डेड हुए? देखिए अभी तक 6 कैजुअल्टीज हुई हैं इसके अंदर, उनके परिवारों के साथ ही आज मैं यहाँ हूँ अभी उपस्थित उनके बीच में, हम प्रशासन के साथ।